बताएं कि कैसे। नमस्ते नमस्ते श्रीदेवी श्रीदेवी अभी तो ये श्रीदेवी के और श्रीदेवी ऐश्वर्या राय कि यहाँ तेहरान की सड़कों पे क्या हाल। आप देखें यहाँ बाइक्स, छोटी बाइक्स यहाँ बहुत हैं, होंडा, टीवीएस, बजाज, बॉक्सर है, पल्सर है, पल्सर को यहाँ पुलसे कहते हैं, और बाकी कुछ चाइनीज बाइक्स भी हैं यहाँ। ये दुनिया ये मेरा हाँ हाँ, तो ये रोटी, रोटी के ऊपर इन्होंने अंडा चॉप करके फैला दिया है। हाँ, पूछ रहे हैं एक और, मैंने कहा हाँ एक और अंडा, और अंडा छीलने का तरीका देखो, थोड़ा चम्मच फंसाया और अंडा खुल गया और अंडा चॉप कर दिया। और अब इस पे ये पत्थर है, ये गरम है पत्थर, और इस पे आलू आलू डलेगा। ये कोई नई आइटम है ये। इस भीड़ में से करेंगे ट्रैफिक क्रॉस। ओहो 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 ओहो, क्या अटर कायोस है भाई। मेंढक लगा रखे हैं, मेंढक बात है कि ईरान में लोग बाग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, मगर यहाँ इंडियंस नहीं मिले। तो फोर्थ फ्लोर पर हमारे को रूम मिला था, और रूम है 157। दो रूम्स हैं, ये रूम मैंने ले लिया था और ये रूम अंकित ने ले लिया। वॉशरूम छोटा है, ठीक है, लेकिन सब कुछ है, और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, मगर ब्रेकफास्ट बड़ा एक बेसिक सी रोटी और एक अंडा और चाय आई थी, तो ब्रेकफास्ट ना के बराबर था। ब्रेकफास्ट अब करेंगे हम अपना रूम में, बाज़ार में जाके, और चलते हैं अब आज एक्सप्लोर करते हैं तेहरान, देखते हैं कितना देख पाते हैं, क्योंकि तेहरान में डिस्टेंसेस बहुत हैं। अगर मैं कहूँ वॉकिंग से तो एक जो ब्रिज है इनका बड़ा फेमस, वो ब्रिज यहाँ से करीब 13 किलोमीटर है, और 13 किलोमीटर जाना और आना तेहरान में, आप ये मान के चलिए 26 किलोमीटर कम से कम डेढ़ घंटा सड़क पर ट्रैफिक जाम में रहेंगे। तेहरान में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है तो ये मैं कम ही कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले कराते हैं करेंसी चेंज, क्योंकि कहीं भी घूमने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, और ईरान में कार्ड चलते नहीं हैं, डॉलर्स चलते नहीं हैं, यूरो चलते नहीं हैं, यहाँ इनके ईरानियन करेंसी चलती है जिसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैंने $100 कराए थे बॉर्डर पर चेंज, जिसके मुझे करीब पता नहीं कितने मिले थे यार, इतनी ज़ीरोज़ थी कि मैं तो कन्फ्यूज़ ही हो गया। थोड़ा थोड़ा अब मैं समझ पा रहा हूँ कि कितने पैसे मिलेंगे, और अभी चलते हैं देखते हैं ये लोग कितना पैसा देते हैं हमको $100 का। तो $200 चेंज कराते हैं, क्योंकि अभी 4-5 दिन का सफ़र बाकी है। हम करेंसी चेंजर के पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास कैश ही नहीं है इतना, तो यहाँ सड़क पर काफ़ी लोग खड़े हैं जो करेंसी बदल रहे हैं, और उनसे हम करेंसी बदल रहे हैं। इंडिया, हिंदुस्तान, राज कपूर, शशि कपूर, श्रीदेवी, श्रीदेवी $100 चेंज कराए हैं। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, आप बोलिए। आप तो यहाँ सबको पता है कि नमस्ते कैसे बोलते हैं,
कितने नोट हैं ये, कितने नोट, बहुत सारे नोट हैं यार ये। तो सबसे पहले देखने चलते हैं गुलिस्तान पैलेस। सुना है बहुत खूबसूरत है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की वॉक है। वॉक करते हुए चलते हैं और साथ साथ देखते हैं कि यहाँ तेहरान की सड़कों पे क्या हाल है। आप देखें यहाँ बाइक्स, छोटी बाइक्स यहाँ बहुत हैं, होंडा, TVS, बजाज, बॉक्सर है, पल्सर है, पल्सर को यहाँ पुलसे कहते हैं, और बाकी कुछ चाइनीज़ बाइक्स भी हैं यहाँ। यहाँ की सड़कों पर भीड़ बहुत है और जगह जगह आप देखेंगे करेंसी चेंजर, पुराने नोट और पुराने सिक्के वाले इस सड़क पर तमाम जगह बैठे हुए हैं। जो ऑफिशियल मनी चेंजर्स हैं उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा हम चेंज नहीं कर सकते, कैश ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि मुझे होटल वाले ने कहा था कि करीब 48 लाख से 50,000 आपको मिलेंगे $100 के। फिर जब मैं सड़क पर चलते चलते लोगों से पूछा तो किसी ने 44, किसी ने 45 ऑफ़र करें। करेंसी मेरे पास ख़त्म है तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं होटल की पेमेंट ना कर पाऊँ और फिर तकलीफ में आऊँ। तो बड़ी मुश्किल से 45 लाख ईरानियन करेंसी उन्होंने मुझको $100 की दी, तो वो लेके चेंज करा लिया। जेब अब हमारी और बहुत भारी हो गई है। अब चलते हैं गुलिस्तान पैलेस देख लें। सड़कों का हाल कुछ ऐसा है, आप देखो जगह 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 ट्रैफिक, शोर बहुत ज़्यादा है और 3 महीनों बाद शोर सुनने को मिल रहा है तो बड़ा ही कानों को तकलीफ़ हो रही है। जगह जगह देखे मच्छर की तरह टू व्हीलर फैले हुए हैं और ट्रैफिक यहाँ किसी सिस्टम से नहीं चल रहा, फ्री फॉर ऑल है। कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस घुसते चले जाओ। मैं भी घुसते ही जाता हूँ, नहीं तो खड़ा ही रह जाऊँगा। लो जी मैं भी घुस गया हूँ। कोई यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लाइट वाइट कुछ नहीं है, बस राम भरोसे चल रहा है सब काम। 3 महीने में हम यूज़ टू हो गए सिस्टम्स के, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ तो भैया हम तो इंडिया में पले बड़े हैं, कहीं भी किसी भी हालात में कामयाबी हो जाएंगे, हम कैसी भी हालात में चल सकते हैं। ये इनकी एक्सचेंज बिल्डिंग है, शाहीन एक्सचेंज बिल्डिंग, और कल सेंट्रल बैंक ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जगह जगह ईरान के झंडे लगे हुए हैं। अब तो आजकल तो हमारे इंडिया में भी जगह जगह इंडिया के झंडे लगने लग गए हैं, तो बड़ा फ़ख्र सा महसूस होता है। ये है जी होम ऑफ उजंगोल। उजंगोल हम गए थे, आपको पिछले कुछ व्लॉग्स पहले आपने उजंगोल देखा होगा, और ये ब्रिज भी आपने देखा होगा टर्की के व्लॉग में, इस्तांबुल में। ये यूरोप से एशिया में लेकर आता है ब्रिज। आप अगर मेरा टर्की इस्तांबुल वाला व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको ये ब्रिज। घड़ियाँ देखो यहाँ किस कदर भरी पड़ी हैं, किस कदर, मतलब किलो के हिसाब से हैं भरी हुई। प्राइस अब ये पता नहीं कितना ज़ीरोज़ में लिखा है, अब ये ईरानियन में लिखा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब डी का माल है। अंदर भी भरी पड़ी हैं घड़ियाँ। देखें यहाँ एक दुकान है जिसमें गन्स हैं। अब ये मेरे ख्याल से तो ये असली तो नहीं होंगी, असली तो नहीं है, ये शूटिंग रेंज वाली है ये। गैलेक्सी ईरान में तबरीज और तेहरान दो जगह हम हुआ हैं, और बड़ी बाइक्स यहाँ नहीं दिखी हैं। जो सबसे बड़ी दिखी है वो है पल्सर, जिसको ये पुलसे भी कहते हैं, 200 cc। अदरवाइज़ सब 150-100 cc और स्कूटीज़ हैं यहाँ पर, या तो ये
जो US ने ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए हैं इस वजह से है या किस वजह से है समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पेट्रोल करीब 7 रुपये लीटर है, 7 रुपये से ऊपर नहीं है, 7 रुपये से नीचे ही है, तब भी आप देखें टू व्हीलर देखें कैसे लाइन से लगे। ये मार्केट दिखी यहाँ कुछ खाने का, नॉन वेज तो दिख रहा है सारा नॉन वेज है, मगर एटलीस्ट खाने के लिए यहाँ है। उधर स्वीट्स है, देखो टमाटर बर्गर, एटलीस्ट ईरान में पहली जगह दिखी जहाँ खाने के लिए कुछ एटलीस्ट दिख तो रहा है। अभी तक ईरान में खाना बहुत ढूंढना पड़ रहा था, ये तो पूरी फूड स्ट्रीट है। देखो जी आज पियेंगे अनार का जूस ज़रूर, क्योंकि यहाँ हालांकि अनार का सीज़न चला गया है, यहाँ अनार का सीज़न अब है नहीं, लेकिन फिर भी, और ड्राई फ्रूट ईरान में खूब है, ईरान तो कंट्री फेमस है ही ड्राई फ्रूट्स के लिए। देखो जी ये रोड साइड फूड स्टॉल से एक नई आइटम खाते हैं आज, यहाँ जी ये है रोटी आलू अंडा सॉस और ये, तो ये इन सब की सबका बनाते हैं ये। अभी मैंने भी ऑर्डर देना है तो अब मेरा भी बनेगा। ये मेरा हाँ हाँ, तो ये रोटी, रोटी के ऊपर इन्होंने अंडा चॉप करके फैला दिया है। हाँ पूछ रहे हैं एक और, मैंने कहा हाँ एक और अंडा, और अंडा छीलने का तरीका देखो, थोड़ा चम्मच फंसाया अंडा खुल गया और ये अंडा चॉप कर दिया। और अब इस पे ये पत्थर है, ये गरम है पत्थर, और इस पे आलू आलू डलेगा। ये देखो नई आइटम है ये, अब इस पे डाला, ये क्या है छारे महली है, शहद शहद, हाँ ये शहद है, ये शहद, और ये डला जी मसाला, ये डली लाल मिर्च, और अब डलेगा टमाटर, अब डलेगा जी ये खट्टा, हाँ ये टेस्टी लगता है मुझको, तो मैंने एक्स्ट्रा डलवाया है ये। हाँ और ये डलेगा जी हरा, ये धनिया तो नहीं लग रहा लेकिन जो भी है खैर डाल दिया इन्होंने काफ़ी सारा। अब इस पर डालेंगे ये सॉसेस, ये डाली इन्होंने जी मेयोनीज सॉस ये, और अब डालेंगे टमाटो सॉस, और ये रोल कर देंगे। ये देखो जी ये पत्थर बिल्कुल गर्म है, हीट आ रही है फर्स्ट क्लास, और ये फाड़ेंगे थैली ये, और पैक करके इसको हमको दे देंगे। थैंक यू। टेस्टी है, रोटी है, अंडे का स्वाद आ रहा है, भुना हुआ आलू क्वाइट टेस्टी। अब सॉसेज का स्वाद आ रहा तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और ये हमको करीब पड़ा है 120 रुपये का, जिसमें दो अंडे दो आलू ढेर सारी सॉसेज
और मसाला रोटी काफ़ी सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब भाड़ का बुना हुआ आलू जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये इनकी सूट्स की मार्केट है और दुकानें ही दुकानें हैं यहाँ, लाइन लगाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स। यहाँ शूज बेल्ट्स सूट्स खूब है, और कल फ्राइडे था तो यहाँ पर लगी हुई थी ब्लैक फ्राइडे सेल। रात को करीब 9:30 बजे भी दुकानों में लाइन लगी हुई थी, मारम मारी थी, 50% से 70% ऑफ था। म्यूज़ियम में कैमरा अलाउड नहीं था तो हम आ गए हैं म्यूज़ियम देख के और वापस। अब थोड़ा होटल चल के रेस्ट करेंगे और फिर दोबारा निकलते हैं बाज़ार देखने के लिए। गजब की भीड़ है। अब देखो सड़क करेंगे क्रॉस कैसे, बस घुस जाओ यहाँ, घुस जाओ, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ, घुसते चले जाओ। और ये हो गई जी सड़क क्रॉस, एक सड़क क्रॉस हो गई और ये दूसरी भी हो गई। तेहरान बहुत बड़ा है और बहुत फैला हुआ है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि गूगल ने जहां हमारे को तेहरान पे लोकेशन ख़त्म करी उसके बाद भी हम करीब 50 किलोमीटर तेहरान के अंदर ही अंदर घूमे हैं। यहाँ कोई एक सिटी सेंटर है नहीं तेहरान का, जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाकी जगह होता है, या जैसे हमारे यहाँ कोई सिटी सेंटर नहीं है। करोलबाग की मार्केट अलग है, कनॉट प्लेस की अलग है, रानीबाग की अलग है, रजौरी गार्डन की अलग है, तो ऐसे ही तेहरान में। अब वो आपको फ़ैसला करना है कहाँ जाना है। तो किसी ने हमको गाइड करा था कि भाई जो होटल जिसमें हम ठहरे हैं वो होटल ठीक है और वहाँ आप ठहर जाएं वो एरिया भी ठीक है, तो वहीं हम इसलिए रात को गूगल पे डाल के ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड था उससे पहुँचे। हमारा नेट तो चल नहीं रहा था यहाँ आके आज सुबह, कल रात को हमारा नेट करीब 11 बजे चला। ईरान में खाने से जितनी उम्मीदें थीं कि अच्छा खाना मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन खाना यहाँ ना ढूंढना पड़ रहा है और चॉइसेस बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। और क्योंकि यहाँ पर ब्रांड्स हैं नहीं, तो मैकडीज, बर्गर किंग, मतलब कोई भी बड़े ब्रांड्स नहीं है, तो वो तो स्टोर्स हैं ही नहीं, और जो लोकल वेंडर्स हैं उनके पास भी चॉइस लिमिटेड ही है। खैर गुजारा तो हो ही जाएगा क्योंकि अंडा, चिकन, ब्रेड तो हर जगह ही है, और अंकित के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो वेज है, तो कल तो रात को पिज़्ज़ा खा लिया था। इस भीड़ में से करेंगे ट्रैफिक क्रॉस। ओहो 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 ओहो, क्या अटर कायोस है भाई। सुपर डिलीशियस फास्ट फूड डोमिनो, डोमिनोज का कर दिया डोमिनो, ये वो वाला डोमिनोज नहीं है। ईरानियन पॉटरी, ये जो सामने जितने भी आप लोग बाग देख रहे हैं खड़े हैं सड़क पे, ये सब मनी चेंजर है। ये अब मेरे को समझ में आ गया, मैं पहले मनी चेंजर ढूंढ रहा था दुकानों में, यहाँ पर सड़क पर खड़े मिलेंगे, ये सब मनी चेंजर हैं। हेलो, और सब सड़क पे बिजनेस कर रहे हैं ये, और जो ऑफिशियल मनी चेंजर है उनके पास वो कहते हैं कि जी हमारे पास कैश ही नहीं है देने के लिए, वी आर आउट ऑफ कैश, तो इसका मतलब ये सब लोग उनसे ले लेते हैं और बाद में प्रीमियम पे देते हैं। ये मैं इस शॉप पर गया था एक्सचेंज रजवी, लेकिन ये कहते हैं जी हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं देने के लिए, आउट ऑफ कैश। तो अब आप बताएं कि कैसे। नमस्ते नमस्ते। तो हमने इनसे पैसे चेंज कराए थे और अब चलते हैं होटल, गर्मी हो गई है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे
और रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा बाज़ार देखते हैं निकलने के लिए। जैसा मैंने बताया था, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कोई 11 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर है, तो वो मैं देखने नहीं जा रहा हूँ। तेहरान में एक पैलेस देख आया हूँ, बस वो बहुत है, क्योंकि मोटरसाइकिल निकालने की हिम्मत नहीं है। फुली लोडेड मोटरसाइकिल है और यहाँ पर ट्रैफिक इतना है कि आदमी पागल हो जाए। टाइम सिर्फ एक दिन है, तो इसलिए इस बार तेहरान को जितना बाई फुट एक्सप्लोर कर सकेंगे वो मैं करूँगा। बाकी तेहरान को रखते हैं अगली बार के लिए। ईरान मैं प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँगा नेक्स्ट विज़िट पर अपनी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। ईरान तेहरान के लिए पहले 3 से 4 दिन रखे थे, अब सिर्फ एक ही दिन हमको मिला और वीज़ा हमारा 3 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो 1 तारीख को मुझे बंदर अब्बास पहुँचना ही पड़ेगा, ताकि मैं 2 तारीख को बाइक की कस्टम क्लियरेंस वगैरह करा के बाइक बुक करूँ दुबई के लिए, और 2 को या 3 को शिप पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के मैं दुबई पहुँचूँ। नहीं तो मुझको ईरान का वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा, और वो आप समझते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए फिर एक दिन पूरा ख़राब होगा। पैसे भी मैंने पता करे थे, करीब $130 से $150 लगेंगे और पूरा एक दिन ख़राब हो जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जीप से ये रूट करना ही करना है, नॉर्वे वाला, नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी जीप को ईरान ही भेजूँगा, तो ईरान से ही शुरू करूँगा मैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। रूम पे आया था तो थोड़ी सी आँख ही लग गई, थोड़ा हल्का सा फीवर भी हो गया, बच गए हैं 5। चलो दोबारा निकलते हैं, अब दूसरी साइड बाज़ार की देखने चलते हैं। ईरान में शूज़, पर्सेस, लेदर बैग्स, इन सब का बहुत काम है। और कल यहाँ था ब्लैक फ्राइडे सेल, कल 50% से 70% की सेल लगी हुई थी, और आज ये हट के सिर्फ 20% की रह गई है और 15% की रह गई, कुछ पर 40% भी है, और कुछ दुकानें तो बंद ही हैं, क्योंकि कल रात, देर रात तक, या हो सकता है कल सुबह तक खुली रही होंगी, क्योंकि कल रात को 9:30 बजे तो बहुत बहुत भीड़ थी इस पूरे बाज़ार में। और यहाँ पूरा सिर्फ शूज, पर्सेस और लेदर आइटम्स का ही मेन काम है। देखते हैं इस मॉल में भी सारा वही लेदर का ही काम है। तो हमारे पास जगह ही नहीं है, नहीं तो शूज़ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ, बट यहाँ कस्टमर नहीं है। कल भीड़ लगी हुई थी बाज़ार में पूरे में, आज कस्टमर नहीं है, लगता है कल सबने शॉपिंग कर ली है। मेंढक लगा रखे हैं, मेंढक। लेकिन फिर भी ईरान आए और अनार का जूस नहीं पिया तो फिर क्या फ़ायदा, अनार का जूस तो बनता ही है पीना है यहाँ पर। अब ये हमारे लिए अनार का जूस निकालेंगे, अनार छोटे हैं इनके पास, लेकिन फिर भी चलो। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, तो हमने इस अनार के जूस के दिए हैं 5 लाख ईरानियन करेंसी, तो करीब जो कि बनेगी 125-150 रुपये। तो 125-150 रुपये में अनार का जूस
प्योर अनार का जूस कहाँ मिलता है, इंडिया में तो नहीं मिलता है भाई, वहाँ तो रंग डालते हैं। हम पहुँच गए जी कारपेट के बाज़ार में। कारपेट देखो आप कितने शानदार हैं, मगर मोटरसाइकिल पर हैं तो लेकर कैसे जाएं यहाँ से, लेकर तो जा नहीं सकते। बेहद खूबसूरत कारपेट्स हैं। पेंटिंग्स की शक्ल में भी हैं ये भी कारपेट्स ही हैं, फाइन कारपेट्स। ओहो नायाब, बहुत ही खूबसूरत। घोड़े देखो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे असली निकल के पेंटिंग में से बाहर आ जाएंगे। या ईरानियन मिठाई में ये तो बिस्कुट्स हैं, केक्स हैं, मिठाई तो नहीं है। अब ये जो मिठाई टर्की में थी वो यहाँ ईरान में नहीं है। टर्की में तो मिठाइयों का अंबार लगा हुआ था, सौयों तरह की मिठाइयाँ थी टर्की में, इस्तांबुल में। एक बात है कि ईरान में लोग बाग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, मगर यहाँ इंडियंस नहीं मिले। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ईरान में इंडियंस मिले नहीं हमको। होंगे तो ज़रूर लेकिन मुझको नहीं मिले, तारुफ नहीं हुआ। और मगर ईरान के लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। आ गया हूँ अपने होटल वापस। जितना समय था और जितना सेहत ने साथ दिया, तेहरान एक्सप्लोर किया, कोशिश करी और देखा, और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करी। शोर यहाँ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पोल्यूशन भी है, और शोर और पोल्यूशन मिलके मेरी तबीयत आज ख़राब रही। और दिल्ली में भी मैं शोर और पोल्यूशन की वजह से दिल्ली से बाहर ही रहता हूँ मोस्टली, और यहाँ भी वही शोर और शराबा था, तो इस वजह से मेरी हिम्मत बहुत ज़्यादा नहीं हुई एक्सप्लोर करने की। तो तेहरान का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।